ये तो विजयनगर की धरोहर है। ये इसके निवास पर कैसे पहुंची? मेरा भी यही प्रश्न है गुरुवर, जिसका उत्तर अब ये पुर्तगाली देगा। बताओ, तुम्हें ये सब कैसे और किससे प्राप्त हुआ? शीघ्र उत्तर दो, अन्यथा महाराज तुम्हें अभी इसी समय मृत्युदंड दे देंगे। महाराज, ये विजयनगर की धरोहर का लुटेरा है और विजयनगर का शत्रु आपके सामने हो तो आपकी तलवार शांत नहीं बैठती। इसे अभी इसी समय मृत्युदंड दे दिया जाए। ये मुझे क्यों मारेंगे? इन्होंने ही तो सब मुझे बेचा है। इसके बदले में बहुत सारा धन दिया है मैंने महाराज को। पूछ लीजिएगा अपने महाराज को। विजयनगर के धरोहर को संजोने का उत्तरदायित्व तो आपका है महाराज, और आपने सौदा कर दिया। विजयनगर के मान सम्मान का सौदा कर दिया आपने महाराज। विजयनगर की धरोहर को एक विदेशी के हाथों बेच दिया। क्यों महाराज, विजयनगर की प्रजा के साथ ऐसा छल क्यों किया आपने? ये क्या कह रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण, क्या कह रहे हैं आप? एक बार के लिए सूर्य पूर्व में अस्त हो सकता है, किंतु हमारे महाराज ऐसा कदापि नहीं कर सकते। सूर्य तो पूर्व में अस्त हो चुका गुरुवर, क्योंकि यदि इन्होंने ऐसा नहीं किया है तो इस पुर्तगाली का इतना साहस कैसे कि यह इनका नाम ले, ये जानते हुए कि ये विजयनगर के महाराज है। पिताश्री, क्या आपने सच में? सूर्य पूरब में अस्त अवश्य हुआ है, किंतु उसे अस्त हमने ही करवाया है। हाँ, ये सौदा हमने किया है। किंतु इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जिस प्रकार सिंह तक पहुंचने के लिए एक बकरी को पेड़ से बांधा जाता है, उसी प्रकार हमने भी ये जाल बिछाया है। कैसा जाल? उस पुर्तगाली तक पहुंचने के लिए जो भूतपूर्व महाराज पर हमले का उत्तरदायी है और अब आसपास के राज्य के राजाओं पर हमले करवा रहा है। ये पुर्तगाली सामग्री को लेकर सीधा उस पुर्तगाली तक जाता, हम उसका पीछा करते और हमें इन पुर्तगालियों के मुख्य निवास का ज्ञान हो जाता। क्षमा करें महाराज, किंतु मेरे साथ साथ विजयनगर की प्रजा के हृदय में भी ये प्रश्न उठ रहा है कि इसके लिए आपको विजयनगर की धरोहर का सौदा करने की क्या आवश्यकता थी? आप हम पर संदेह कर रहे हैं, विजयनगर के द्वारपाल पर संदेह कर रहे हैं। हमने आप पर विश्वास भी किया था महाराज। हमने कहा ना कि हमने ये सब एक सोची समझी योजना के तहत किया है। प्रश्न अब भी वहीं का वहीं ठहरा है महाराज, कि इसके लिए आपने विजयनगर के धरोहर को दांव पर क्यों लगाया? विजयनगर की प्रजा और राज दरबारियों को सूचित किए बिना आप इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हैं? इस धरोहर पर समस्त विजयनगर का अधिकार है। पंडित रामकृष्ण, विजयनगर की प्रजा और विजयनगर की धरोहर कि जितनी चिंता आपको है उससे कम हमको नहीं है। अतः हम बता दें कि हमने विजयनगर की धरोहर को बेचा नहीं है। ये सब नकली है, इसमें कुछ भी असली नहीं है। हम अपने प्राण दे देंगे, किंतु विजयनगर और विजयनगर की धरोहर पर आज नहीं आने देंगे। इस पुर्तगाली को तो हमने मूर्ख बनाया है, इसको सब कुछ नकली बेचा है। ये नकली हैं, तो असली भी अवश्य होंगे महाराज। कहाँ है असली धरोहर?
लाओ। अति सुंदर। और महाराज, कल यदि प्रजा ने आपसे प्रश्न किया कि विजयनगर की धरोहर कहां है, तो आप क्या उत्तर देंगे? क्योंकि ये सब तो आप उस पुर्तगाली को बेच रहे हैं ना। ये है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। तो कहावत तो सुनी होगी ना तुमने, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो ये दिखाने के दांत हैं, सब नकली। एक एक हीरा जवाहरात मोती माणिक सोना चांदी आभूषण सब नकली। वाह महाराज वाह, ये तो सब वैसे असली लग रहे हैं। असली तो हम उस पुर्तगाली को बेचेंगे और नकली प्रति वर्ष विजयनगर के स्थापना दिवस पर विजयनगर को दिखाएंगे, ताकि सबको विश्वास रहे कि विजयनगर की धरोहर विजयनगर के द्वारपाल की निगरानी में कितनी सुरक्षित है। यह है विजयनगर की असली धरोहर जो हमने सुरक्षित रखी है। नकली सामान बेचा महाराज आपने हमें, धोखा किया महाराज, अब भूलेंगे नहीं महाराज ये बात। विजयनगर की धरोहर बेचना तो क्या, विजयनगर की ओर नेत्र उठाकर देखने वाले के भी हम प्राण ले लेंगे। ले जाओ उस पुर्तगाली को और बंदी बनाकर डाल दो कारावास में। पंडित रामकृष्ण, कोई आरोप प्रत्यारोप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ हृदय की बात? शिव 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 शिव। विजयनगर के लोगों ने ना जाने कितने ही पुण्य कर्म किए होंगे, तब जाकर ऐसे कर्मवीर शूरवीर महाराज विजयनगर को मिले। और आपने पंडित रामकृष्ण ऐसे पुण्य आत्मा पर संदेह किया, भरे दरबार में आपने पंडित रामकृष्ण महाराज का अपमान किया है। लज्जा आनी चाहिए आपको पंडित रामकृष्ण। महाराज ने कितनी सटीक योजना बनाई थी उन पुर्तगालियों तक पहुंचने की, सब आपके कारण व्यर्थ हो गया। महाराज हमारे विचार से इस सब के लिए पंडित रामकृष्ण को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। अपने अति आत्मविश्वास के कारण ये कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहते हैं। इन्हें अपने पद अपनी मर्यादा का भान होना चाहिए। नहीं तथाचार्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें। पंडित रामकृष्ण ने तो मात्र संदेह किया है, असली दोषी तो ये सैनिक है जिसने इस पुर्तगाली को बंदी बनाया। इसी के कारण हमारी योजना विफल हुई है। अतः दंड का भागी पंडित रामकृष्ण नहीं, ये सैनिक है। महाराज क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज दंडाधिकारी महाराज। रुको महाराज, इसका कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। मैंने इसे पुर्तगाली का पता बताया था, इसलिए दंड मुझे मिलना चाहिए। We'll be right back.
जाइए सिपाही। पिताश्री, पंडित रामकृष्ण जी को क्षमा कर दीजिए। ये विजयनगर के शत्रु नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी किया है विजयनगर के हित में ही सोचकर किया होगा। इन्हें क्या ज्ञात था कि आप पुर्तगालियों तक पहुंचने के लिए ये सब कर रहे हैं। पिताश्री, इन्होंने पूर्व में भी आपके प्राणों की रक्षा की है। आपके शुभचिंतक हैं ये। आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। ठहरो, हम अपनी पुत्री का कहा नहीं टाल सकते। पंडित रामकृष्ण, आज तो हमारी पुत्री ने आपको बचा लिया है। हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे। आप नेक मनुष्य हैं, इस प्रकार के कार्य में ना पड़ें तो बेहतर होगा। विजयनगर को आपकी बुद्धिमता की आवश्यकता है, आपकी मूर्खता की नहीं। क्योंकि एक मूर्ख सलाहकार राज्य को विनाश की ओर धकेलता है। क्योंकि विजयनगर को विनाश नहीं, विकास चाहिए, विकास। क्योंकि विकास से हम विजयनगर को बनाएंगे एक सर्वश्रेष्ठ राज्य, एक सोने की चिड़िया। महाराज कह कला की, 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 महाराज कह कला की। पंडित रामकृष्ण का इतना अपमान, आज तो आनंद आ गया। बस अब हमें महाराज के हृदय में अपना स्थान पक्का करना है। अच्छा, और मैं ये देखना चाहती थी कि ऐसी तो क्या वस्तु है जो आप मुझसे छुपाने के लिए मुझे भगाती रहती है। मैं काम करती हूँ तो मैं बता ही देती हूँ। हाँ हाँ, बताइए बताइए। देख लीजिए, मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि आप मुझसे क्या छुपा रही है। हाँ हाँ, जाओ जाओ ये कैसा कोलाहल है। अरे महारानी, आप बाहर क्यों आ गई? किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। ये हमारे नेत्र को क्या हो गया? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि ये हार कुछ अलग सा है? क्योंकि ये वो हार नहीं है जो कल हमने पहना था। ये नया हार है और ऐसे कई हार हैं हमारे पास। क्या हुआ? याद आ गई। किसकी याद आ गई? अपने गहनों की। दान कर दिए सारे, ये सोच के कि संसार समाप्त होने वाला है। तो संसार तो समाप्त हुआ नहीं, हमारे गहने समाप्त हो गए और ये सब उस भास्कर के कारण हुआ है। शारदा देवी, ऐसे ऐसे मिलाप मत कीजिए। आज मुझे विवाह समारोह के लिए जाना है। और देखिए मेरा गला, देखिए मेरी कलाई कितनी सोनी सोनी है। कैसे कैसे जाऊंगी मैं? आप चिंता मत कीजिए, ना आपका गला सुना रहेगा और ना ही आपकी कलाई सुनी रहेगी। मैं हूं ना, मैं आपको सारे गहने लाके दूंगी। और चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा,
वो गहने हमें वापस देने की आवश्यकता नहीं है। वापस नहीं? महारानी धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, महारानी की जय हो, जय हो। सारा मान सम्मान छिन्न भिन्न हो गया आज, वो भी सबके समक्ष। ये कैकाला तो जल में मछली की भांति तैरता हुआ निकल गया। बिंदु बिंदु, मात्र एक बिंदु का ही अंतर है पंडित रामकृष्णा, चिंता और चिता में। चिंता छोड़िए और हमारे पास आइए। कितना प्रयत्न कर रहे हैं आप निशाना लगाने का, किंतु लगा नहीं पा रहे हैं। हम बताएं क्यों? क्योंकि आपको निशाना लगाने का अभ्यास नहीं है। चलिए आज हम आपको निशाना लगाने का अभ्यास कराते हैं, आइए। नहीं नहीं, मुझे कोई निशाना नहीं लगाना है। अरे आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अब जरा शस्त्र भी हाथ में लेकर देखिए। महाराज मेरे हाथों में शास्त्र ही शोभा देते, शस्त्र नहीं। किंतु निशाना लगाने से तो आप बाज नहीं आते। अरे अपने महाराज के आदेश का पालन कीजिए, लीजिए। खींचिए खींचिए प्रत्यंच। और खींचिए खींचिए पंडित रामकृष्णा, आप कर सकते हैं। और खींचिए, आत्मविश्वास ही मनुष्य को महान बनाता है। और खींचिए, और खींचिए। टूट गई प्रत्यंचा, टूट गई। पंडित रामकृष्णा, यही तो हम आपको समझाना चाहते थे। जिस प्रकार अधिक खींचने से धनुष की प्रत्यंचा टूट गई, उसी प्रकार जितना अधिक प्रयास आप हमारे विरुद्ध करेंगे, उतनी ही विफलता आपके हाथ आएगी। जिन्हें असली बताकर हमने दरबार में दिखाया था, सब नकली था। हमारा तो दुगना लाभ हो गया, असली संपदा भी वापस मिल गई और पुर्तगाली का धन भी हाथ में आ गया। पंडित रामकृष्ण, विश्वास कीजिए हमारे ऊपर, हम हितैषी हैं विजयनगर के, हम पर संदेह कर रहे हैं आप। ए पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, अपने महाराज पर संदेह करके आपने महाराज का, विजयनगर का, हम सबका उपहास उड़वाया है। अरे दूसरे राज्यों में परिहास बन रहा है, इस बात का अनुमान है आपको? आप स्वयं तो जंगल से चले आए, परंतु ऐसा प्रतीत होता है अपनी बुद्धि जो है वहीं पर छोड़कर चले आए हैं। अब तो स्वीकार कर लीजिए कि आपसे कहीं अधिक बुद्धि हमारे पास है। नहीं, महाराज के पास भी है, समझे या नहीं समझे? शांत आचार्य, आइए। देखिए पंडित रामकृष्णा की बुद्धि की तुलना करना उचित नहीं है। महाराज कहाँ उनकी बुद्धि, कहाँ हमारी बुद्धि। और पंडित रामकृष्ण अपनी बुद्धि का कौशल कितनी बार तो दे चुके हैं, और बेचारे मनुष्य ही तो हैं, ईश्वर तो है नहीं। भूल हो जाती है, निशाना चूक जाते हैं, धनुष की प्रत्यंचा टूट जाती है। सही कहा महाराज, किंतु प्रत्यंचा टूट भी गई तो क्या, क्योंकि जिन्हें अपने शत्रुओं का शिकार करना आता है उन्हें बड़े इरादों की आवश्यकता होती है, बड़े शस्त्रों की नहीं। पीछे देखिए,
क्षमा क्षमा, महाराज का चित्र जल गया, महाराज का चित्र जल गया। आपने कहा था ना कि मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूं, तो उन्हीं शास्त्रों में ये सिखाया गया है कि छोटे छोटे शस्त्रों से बड़े बड़े युद्ध कैसे जीते जाते हैं। महाराज को जलाकर चला गया, आपके चित्र को जलाकर चला गया।